गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसबीडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से वेलकम है। तो बेटा, इससे पहले हमने जो 11th क्लास केमिस्ट्री का एक लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था मोल के बारे में कि मोल क्या होते हैं, मोल किस शब्द से लिया गया है, उसका अर्थ क्या होता है और एक मोल में कुल कितने कण होते हैं। तो एक मोल में कुल कितने कण होते हैं भाई, इसमें 6.023 × 10³। यहाँ पे 6.023 की जगह आपको 22 भी मिल सकता है, तो ध्यान रखना इसमें दोनों चीजें मिल जाती हैं आपको इसमें ना। इस संख्या को क्या कहते हैं, अवोगाड्रो संख्या कहते हैं और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने मोल निकालना सीखा था, लेकिन कब सीखा था हमने, जब किसी भी वस्तु की क्या दे रखी हो, क्वांटिटी दे रखी है। जब क्वांटिटी दे रखी है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, Na का भाग दे सकते हो और क्या कर सकते हो, किसी भी गैस के मोल सॉरी किसी भी पदार्थ के मोल ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको उस पदार्थ के मोल दे रखे हैं तो आप उसकी क्वांटिटी बता सकते हो। कैसे? उसके उसके मोल को किससे गुना करना है, एवोगैड्रो नंबर से क्या करना है, गुना करना है और क्या निकल जाएगा आपके पास, उसकी क्वांटिटी निकल जाएगी। ठीक है, आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब हमें किसी भी यौगिक का भार दे रखा है तो उस कंडीशन में उसके मोल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी वस्तु का भार दे रखा है तो उस समय मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे पास ऐसे कि मोल इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी वस्तु का जो भी वस्तु है उसका भार लिखना है और भार आपको हमेशा हमेशा किस में लिखना है, ग्राम में लिखना है और इसमें आप डिवाइड करोगे क्या, अनुभार से। यानी कि उसके भार में अगर आप अनुभार का भाग दे देते हो तो उस पदार्थ के क्या निकल के आ जाएंगे, मोल निकल के आ जाएंगे। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। भार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो यानी कि इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से। अनुभार और मोलर द्रव्यमान दोनों एक ही वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। क्या? भार, अनुभार और मोलर द्रव्यमान एक ही वर्ड होते हैं। अनुभार को इंग्लिश में कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं, इसीलिए हम इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास मोल का फॉर्मूला आ गया कि एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे भार तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमें, यानी कि हम किसी भी पदार्थ का अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे और ये अनुभार होता क्या है। तो अब सबसे पहले हम अनुभार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अनुभार क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो अनुभार, जैसे अगर हम बात करें जल की, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O है और इस H2O में हाइड्रोजन कितनी बार है, दो बार है। तो यहां पे लिखा दो। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है एक और ओजन का परमाणु भार होता है 16। तो इसका अनुभार कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। यानी कि जो आपके पास कोई भी अणु है, उस अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं, अगर उनके परमाणु भार को आपस में ऐड कर दिया जाता है तो अनुभार निकल के आता है उस अणु का। क्लियर है? तो अब सबसे पहले ये बात, सिर्फ परमाणु भार क्या होता है, तो अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। अब अगर किसी भी परमाणु का परमाणु भार ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले परमाणु भार को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किसी भी परमाणु के परमाणु भार को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे।
और परमाणु के अंदर भाई जो भी पार्टिकल होंगे अगर उनके भार को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। तो परमाणु के अंदर क्या है भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर इन सभी के भार को जोड़ दे तो क्या कहलाएगा, परमाणु भार कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो इन दोनों की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो किसी भी परमाणु का परमाणु भार अगर ज्ञात करना है तो प्रोटॉन का भार प्लस में न्यूट्रॉन का भार इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका परमाणु भार आ जाएगा। क्लियर है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, उसका परमाणु भार निकल के आएगा। इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ा हमने भाई, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा वेट जैसे 50 केजी है, अब एक दिन बाद जैसे हम सोए नाइट में तो हमारे जो बाल है वो झड़ गए एक दो, तो क्या इससे वजन कम हो जाएगा, नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि बालों का जो वजन है वो हमारी बॉडी की तुलना में क्या है, बिल्कुल कम है, ना के बराबर इसमें। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। अब एक से लेके जो 20 तक के परमाणु हैं उनके परमाणु भार को बताऊंगा मैं इसमें, लेकिन ट्रिक से आपको ज्ञात करना है इसमें, कि ट्रिक लगा के आपको क्या करना है इसमें, इनके अणु भार ज्ञात करने हैं, परमाणु भार और परमाणु भार से क्या ज्ञात करने हैं, अणु भार इसमें। तो जैसे एक से लेके 20 तक के तत्व होते हैं कि हाय हाय लैला बेगम बड़ी चाला निकली, ठीक है, निकली और फिर नई नई मांगे आई, ठीक है, नेक्स्ट आएगा, ठीक है, नई नई मांगे आई इसमें, ठीक है, एल्यूमिनियम सिंगापुर से चली और कानपुर में चॉकलेट खाई, ठीक है, सिंगापुर से चली और कानपुर में चॉकलेट खाई। तो एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है, हीलियम का दो, एलआई का नाम होता है लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तीन है, बीई का नाम बेरिलियम है, इसका परमाणु क्रमांक चार है, बी का नाम बोरोन है, इसका परमाणु क्रमांक पांच है, सी का नाम कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक छह, नाइट्रोजन का सात, ओ का कितना होता है, ओजन, ठीक है, ओ का नाम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, आठ, फ्लोरीन का कितना होगा, नौ, और नियोन का कितना होगा, दस होगा। इसी तरह सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ग्यारह, मैग्नीशियम का बारह, एल्यूमिनियम का तेरह, सिलिकन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 होगा इसमें, ठीक है। तो ये एक से लेके 20 तक के हमारे पास तत्व हैं। अब हमें निकालना है इनका परमाणु भार निकालना है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, सुना ध्यान से, इसके लिए हमारे पास ट्रिक ये है कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक कैसा होता है, सम संख्या होती है, जिनका परमाणु क्रमांक सम संख्या होती है, तो अगर आपको उसका परमाणु भार ज्ञात करना है तो आप उसके परमाणु क्रमांक को कितने से डिवाइड, सॉरी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका परमाणु भार आ जाएगा। जैसे भाई हीलियम का अगर बात करें, हीलियम का कितना है परमाणु क्रमांक, दो है, तो यहां पे दो दुनी कितना होगा, यहां पे चार, इसका परमाणु भार होगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, बारह, सम संख्या है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, बारह दुनी चौबीस हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर हम बात करें सल्फर, सल्फर का कितना है, सोलह है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सोलह दुनी बत्तीस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, छह, भाई सम संख्या है ना, तो सम संख्या है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का कितना है भाई, 8 है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु क्रमांक है, 8। तो सम है या विषम है, सम है या विषम है भाई, सम संख्या है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूनी क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। क्लियर है। इसी तरह मुझे आप कैल्शियम का बताओ, इसी तरह आप सभी मुझे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बताओ भाई। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, कैल्शियम का सिंबल देखो ये रहा इसमें, कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca है। कितना है, 20 है। सम है या विषम है, सम है। तो इसका अगर परमाणु भार ज्ञात करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा इसमें, 20 दूनी 40 इसमें। क्लियर है। तो ये तो ट्रिक आपको तब यूज करनी है जब आपके पास जो परमाणु दिया गया है उसका परमाणु क्रमांक कैसा है, सम संख्या है। ठीक है। अब अगर परमाणु क्रमांक कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो विषम संख्या है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक विषम होता है, ठीक है, अगर उसका परमाणु भार ज्ञात करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो उसके परमाणु क्रमांक को और 1 क्या कर दो इसमें, ऐड कर दो। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, उसका परमाणु भार निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का कितना है, 11 है परमाणु क्रमांक। कितना है, 11। तो 11 दूनी 22 प्लस 1 कितना हो गया, 23। तो सोडियम का परमाणु भार कितना है, कितना है भाई, 23 है इसमें। इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास में बोरोन की बात करें, ठीक है, तो बोरोन 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 हो जाएगा इसमें। ऐसे ही आप किसी भी विषम संख्या का निकाल सकते हो, लेकिन ये जो ट्रिक है ये 100% सही काम नहीं करती है, मतलब इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूंगा फर्स्ट हाइड्रोजन की, भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। सम है या विषम है, सम विषम संख्या है। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 2। 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 3। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन का है वो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 3। लेकिन ध्यान रखना जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। कितना है भाई, 7 है। तो सम है या विषम है, विषम संख्या है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 1 कितने, 15। यानी कि कितना आना चाहिए इसका परमाणु भार, 15 आना चाहिए, लेकिन यहां पे ध्यान रखना कितना होता है, 14 होता है इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरह देखो, फोकस करना क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। कैसा है, विषम संख्या है। तो 17 दूनी 34 और प्लस में क्या हमारे पास, 1 है इसमें। तो कितने और चाहिए, 35। लेकिन ध्यान रखना जो हमारे पास क्लोरीन है वो कितना है इसका परमाणु भार इसमें, 35.5। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ क्या थे, अपवाद थे, जो कि इनको क्या करते हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है। तो ऐसे आप किसी भी परमाणु का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हो। अब परमाणु भार ज्ञात करके आप अणुभार भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल किया था कि H2O का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन कितने है इसमें, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार, देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है। तो यहां पे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। सम है ना, तो 8 दूनी 16। तो यहां पे क्या लिखे हमने, 16। तो 16 और 2 कितने हो गए, 18। और ये क्या हो गया, 18 ग्राम। क्लियर यहां तक। जैसे हम बात करें NaCl, यानी कि जो नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl।
NaCl का परमाणु सॉरी अणु भार बताइए, परमाणु भार नहीं अणु भार। भाई अगर दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं ना, तो हमें अणु का अणु भार निकालना है। तो अणु भार की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार को अगर आपस में जोड़ दिया जाता है तो जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है हमारे पास अणु भार। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। सम है या विषम है, विषम है, तो दो से मल्टीप्लाई किया तो 11 दूनी 22 प्लस 1 23, तो सोडियम का परमाणु भार कितना है 23 है। अब जो क्लोराइड है इसका कितना है 35.5, कितना है 35.5, तो कितने हो गए भाई ये 5 और 3 कितने हो गए 8 इसमें, और 3 और 2 5 यानी कि 58.5 आया इसमें, क्लियर है। और यहां पे क्या लिखेंगे ग्राम लिखेंगे, क्लियर है ना सभी को भाई। तो ऐसे आपको क्या करना है अणु भार निकालना है। इसी तरह मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें एक या दो मैं आपको करा दूंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। जैसे एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें, क्लियर है। एक यूरिया होता है यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या है NH2CONH2। इसी के साथ साथ होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, क्या होता है भाई HNO3 होता है, ठीक है। इसी तरह सुक्रोज वगैरह होता है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, ये सुक्रोज है, ये हमारे पास का इसमें ये फॉर्मूला है इसमें। तो ऐसे ही बहुत सारे यौगिक है जिनके आप अणुसूत्र निकाल सकते हो, सॉरी अणु भार निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमें ग्लूकोज का निकालना है, तो कार्बन कितने इसमें भाई 6 है, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, तो यहां पे लिखेंगे 12 प्लस हाइड्रोजन कितने बार है 12 बार है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन कितनी बार है 16 बार है, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है इसमें, क्लियर है, सॉरी 16 बार नहीं कितनी बार है 6 बार इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 छिके कितने होते हैं 72 होते हैं। नेक्स्ट अब कितने 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ही होगा, और 16 से कितने होते हैं 96 यानी कि 96 होते हैं। अब इनको ऐड कर लो, तो जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इनका अणु भार आ जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जो आपको यौगिक दिए गए हैं उनका आप अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हो, क्लियर है बेटा। अब आप ऐसा करो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं, फिर मैं आपको मोल निकालना सिखाऊंगा। नोट करो बेटा जल्दी से, ठीक है। इसी के साथ देखो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं जो आपके नोट्स में दे रखे हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, आप इनको नोट कर लेना और आप निकाल के देखें इनका अनुपात। चलिए भाई आगे, ठीक है, ट्रिक को नोट कर लेना। और हाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, इसमें इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि अगर आपको 1 से लेके 50 तक के जितने भी तत्व हैं इनका आपको अगर नाम याद रखना है, परमाणु क्रमांक याद रखना है,
और अगर आप इनके अनुभार ज्ञात करना चाहते हो इसी ट्रिक से, ठीक है, यानी कि उनके अनुभार ज्ञात करने की ट्रिक अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे CTC यानी कि क्रेजी ट्रिक्स ऑफ केमिस्ट्री इस पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। फिलहाल अभी वीडियो नहीं अपलोड की गई है, एक या दो दिन में आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो आप उसके ऊपर, ठीक है, 1 से लेके 50 तक के जितने भी तत्व हैं उनके याद करने की ट्रिक मिल जाएगी आपको। इसी के साथ साथ उनके जो आप परमाणु भार है वो कैसे याद करने उसकी भी ट्रिक मिल जाएगी आपको, ठीक है। यानी कि CTC में केवल और केवल आपको क्या मिलेगी, ट्रिक मिलेंगी सारे इसमें, ठीक है, जो कि आपको 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे, आगे भी काम आएंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर आपको वीडियो एक दो दिन में मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। आप दो दिन बाद सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी वीडियो वहां पे, ठीक है बेटा। चले आगे, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 0.08 ग्राम ऑक्सीजन में, किसमें भाई, ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन के मोल, या 0.0 ग्राम में ऑक्सीजन के मोल ज्ञात कीजिए, ऑक्सीजन के मोल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ऑक्सीजन का क्या दे रखा है, भार दे रखा है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, N=W/m। भार कितना दे रखा है आपको भाई, 0.80, ठीक है। उसका अणुभार कितना दे रखा है आपको, इसमें अणुभार तो दे नहीं रखा, अब हमें क्या करना है, इसमें अणुभार निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हमारे पास सिंबल क्या होता है बेटा, ओ होता है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा हमारे पास में, 16 होगा इसमें, ठीक है। तो 0.0 ग्राम ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है इसमें, तो यहाँ पे कितना हो गया, कैंसिल होगा, ये कितना आ गया नीचे, 1 और 2 यानी कि 00 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 इसमें, ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 1/20 आ गया। नहीं जा रहा बात तो डेसिमल लगाओ इसमें, 10 हो गया, नहीं जा रहा बेबी इसमें, फिर एक डेसिमल और लगाओ, 0 लगाओ इसमें, तो ये कितना हो गया, 100, तो कितनी बार गया, 5 बार। तो यहां पे हमारे पास क्या आया, 0.05, ठीक है, इतने क्या आएंगे इसमें, मोल रहेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, मोल है। इसी के कुछ क्वेश्चन है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, या आपके जो 11th क्लास की बुक है उसमें से आप क्वेश्चन देखे, और किसी भी यौगिक के मोल कैसे निकालते हैं वो आपको मिल जाएंगे। या इसी के साथ साथ अगर आपके भैया बहन है जो 12th क्लास में, तो उनका एक चैप्टर नंबर 2 है विलियन नाम का, उसमें से ये क्वेश्चन आते हैं, यानी कि यहाँ पे यूज आता है ये टॉपिक्स में, तो आप वहां पे जो भी क्वेश्चन दिए गए उसमें मोल निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारे पास था मोल, कि जब अगर किसी भी पदार्थ का भार दे रखा है तो मोल कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर आप सभी को, ठीक है बेटा।